YouTube is the next big thing. In fact, it is the thing now. Let me start a channel right away. So that was the video, guys, and now I'll see you in our next vlog. Now the video is done. Let me just post it. The next morning. I posted such a nice video. Now let me check the views and subscribers. 1 million to ho hi gaye honge ab tak. 50 views. अगर आप सोच रहे हो कि आज आप YouTube चैनल खोलोगे और कल आपके 1 million सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, तो it's not going to work like this. So you've started your YouTube channel and now you are struggling to get views and subscribers at the pace and number that you had expected. Now I know हमारे चैनल पे कोई million subscribers या कुछ नहीं है अभी, but we are at a decent place from the time that we started from scratch, knowing nothing about the do's and don'ts of YouTube and anything. तो और हमने काफ़ी सारी mistakes करी थी in the beginning. और ये सारी चीज़ें अगर हमें पहले पता होती तो शायद we would have been at a little better place today. तो इसलिए अगर आप वो mistakes avoid करना चाहते हैं जो हमने करी थी, then you need to keep watching this video till the very end, and it might just help you avoid making those mistakes in your YouTube journey. Now the first point is consistency. I know आपने बहुत जगह पे सुना होगा कि you need to keep posting consistently, otherwise आपकी reach नहीं बढ़ती, algorithm काम नहीं करता. Guess what? It is 100% true, and this is the most important point that we all take very lightly and then pay heavily for it. Me and Sanket both have full-time jobs, and trust me, it is so difficult for us to even keep posting one video per week. हमने बहुत बार post करना miss किया है, especially in our initial YouTube days. कभी कभी बहुत काम होता था या फिर editing में ज़्यादा time लग जाता था, and that's why we simply couldn't keep up with the posting schedule and हम post करना miss कर देते थे. But that was our biggest mistake, guys. तो आप लोग ये mistake बिल्कुल मत करिएगा. Even before starting your channel, you should plan your content and keep a regular posting schedule. देखो आपके subscribers कब online होते हैं and try to post during that time, or maintain your own posting schedule. जैसे हम लोग हर Friday शाम को 6 बजे post करते हैं, and that is our schedule. And we have been trying to stick to it strictly. एटलीस्ट नाउ तो आप लोग कोशिश करिएगा कि एटलीस्ट आपके पास 1 month का पोस्ट करने के लिए जो कॉन्टेंट हो वो रेडी हो, सो दैट यू डोंट मिस योर स्केड्यूल. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टू बी अवेयर ऑफ द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीडियो एडिटिंग. जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें कोई आइडिया नहीं था वीडियो किस रेजोल्यूशन पे शूट करना है, किस रेजोल्यूशन पे उसको एडिट करना है, जो लैपटॉप हमारे पास है वो ये सब हैंडल भी कर सकता है कि नहीं. आई रिमेम्बर मेरे पास HP का लैपटॉप हुआ करता था, एंड जब भी मैं एडिटिंग करने बैठती थी, इट यूज टू बी वेरी वेरी स्लो एंड इट यूज टू टेक सो मच टाइम एंड क्रैश करता था हमेशा. एंड आई यूज टू वंडर कि यार ये क्या हो रहा है, वाई इज दिस हैपनिंग, एंड आई हैड नो आइडिया. एंड दिस वॉज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन्स कि हम कंसिस्टेंटली पोस्ट नहीं कर पाते थे इनिशियली. सो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ लैपटॉप, डू अ प्रॉपर रिसर्च कि वो उसका स्पेसिफिकेशन क्या है एंड वो वीडियो एडिटिंग हैंडल कर सकता है कि नहीं. नाउ द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ थंबनेल्स. अगर आप हमारे पुराने वीडियोस जाके देखेंगे, यू विल सी दैट दे वर वेरी टेक्स्ट हैवी हमारे थंबनेल्स. मुझे ऐसा लगता था कि जो भी वीडियो में है, हमने ये भी किया है, वो भी किया है, ये भी दिखाया, वो भी दिखाया, सब कुछ किसी तरीके से मैं थंबनेल में डाल दूं, विच वॉज अ रॉन्ग अप्रोच. यारी समझ गई. आप सोचिए अगर आपके थंबनेल पे कोई क्लिक ही नहीं करेगा तो आपका वीडियो कोई देखेगा ही नहीं, नो मैटर हाउ गुड योर वीडियो इज. एंड आजकल हर कोई यूट्यूब कॉन्टेंट अपने स्मार्टफोन पे ही कंज्यूम करता है, तो जस्ट मेक श्योर कि आपका थंबनेल ऐसा हो कि आपके स्मार्टफोन के छोटे स्क्रीन पे वो अटेंशन ग्रैब कर सके. आप खुद यूट्यूब स्क्रोल करिए एंड यू सी कि आप किस टाइप के थंबनेल पे क्लिक कर रहे हैं, एंड ट्राई टू मेक दोज काइंड ऑफ थंबनेल्स अगर आपके वो नीश पे फॉल करता है.
try to experiment with different fonts, different styles of thumbnails and see what is working for you and try to make more of those kind of thumbnails. And not just thumbnails, try to do a little research on titles, descriptions and tags, because they play an equally important role in making your channel discoverable among more audiences. Now, the next important thing that we did not keep in mind initially was to make what people want to see. पहले पहले हम सिर्फ वही वीडियोस डालते थे जो हमें अच्छा लगते हैं या फिर वही जगह जाते थे जहाँ हम जाना चाहते थे. बट नाउ वी आर रियलाइजिंग दैट देयर हैज टू बी अ गुड मिक्स बिटवीन व्हाट यू वांट टू मेक एंड व्हाट पीपल एक्चुअली वांट टू सी. जैसे स्पेशली इन ट्रैवल व्लॉग्स, मान लीजिए आप एक बहुत ही बढ़िया जगह पे गए थे, यू एंजॉयड अ लॉट, यू मेड अ वेरी नाइस व्लॉग ऑन इट एंड देन यू पोस्टेड इट बट यू डिड नॉट गेट द व्यूज एज पर योर एक्सपेक्टेशंस. वो इसलिए नहीं था क्योंकि वो जगह अच्छी नहीं थी या फिर आपने अच्छा कॉन्टेंट नहीं बनाया था. That was because उस time पे that was not the hotspot and maybe people were not searching about information about that place on YouTube at that time. Now, for example, हमारे अपने चैनल पे हमारा जॉर्जिया ट्रैवल सीरीज गॉट अ लॉट मोर व्यूज एंड लव देन मे बी द रसल खेमा सीरीज एंड आवर जॉर्जिया सीरीज स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट लव्ड सीरीज. एंड अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट करिएगा. नाउ आपको कैसे पता चलेगा कि उस टाइम पे लोग क्या सर्च कर रहे हैं या वॉट पीपल वॉन्ट टू सी. टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना. सो उसके लिए यू कैन यूज vidIQ, TubeBuddy. These will help you understand keywords, understand what people are looking for, and you can make videos as per that. Now the next thing is to repeat what is working for you. Now like I mentioned कि हमारे Georgia series को काफी recognition मिली and it was also one of the major reasons of growth of our channel. Now we should have banked on that and should have gone to places like Azerbaijan or Armenia which were nearby Georgia and people were searching for that. But हम लोग तो इसी से खुश हो रहे थे कि oh my god, people are loving our vlog. हमें इतने सारे views मिल रहे हैं, people are commenting, complimenting us and हम तो उसी बेच में खुश हो रहे थे and we were simply making memories. बट अब ये सब रियलाइज हो रहा है एंड नाउ यू गाइज मेक श्योर कि आप लोग रिपीट करें जो भी आपके लिए वर्क कर रहा हो. जैसे कोई बॉलीवुड मूवी है, उसका वो हिट हो गया तो उसका सीक्वल बनाते हैं बिकॉज दे ऑलरेडी हैव अ ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला जो कि हिट हो चुका है. सो दे वॉन्ट टू रिपीट द सक्सेस. उसी तरीके से यू शुड रिपीट वॉट इज वर्किंग फॉर यू. स्टार्टिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट पॉइंट. वंस यू हैव मेड इट थ्रू इन द बिगिनिंग, उसके बाद आपको करेज आता है टू कंटिन्यू योर जर्नी. जैसे जो बातें मैंने आपको बताई, जो मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, वो अगर हमें पहले पता होती तो शायद वी वुड हैव बीन इन अ लिटिल बेटर पोजीशन. बट एज दे से बेटर लेट देन नेवर. आप लोग इन मिस्टेक्स का ध्यान रखिएगा एंड मेक श्योर यू अवॉइड देम इन योर यूट्यूब जर्नी. इफ यू थिंक यू गॉट टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ लाइक, शेयर इट विद योर एस्पायरिंग फ्रेंड्स हु वांट टू बिकम यूट्यूबर्स और हु हैव स्टार्टेड द चैनल एंड यू थिंक दे माइट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस एंड डू सब्सक्राइब टू सैंकी एंड श्री व्लॉग्स. नाउ आई विल सी यू इन आवर नेक्स्ट व्लॉग.